स्टूडेंट्स को जेने सिखा दे सो आई विल नाउ इनवाइट डॉक्टर ज्योत्सना सिंह टू एक्सप्लेन द एम एंड थीम ऑफ द कवि फेस्टिवल. He has been most wonderful and helpful in this regard. Also, our hotel, the family hotel, is our partner for. And then my father, I think it's about 35 or 36, he cleared it up. And therefore you will see there are no windows on your let me say that convention in feudal families between people who are in power were. ये सिर्फ एक टोकन है. इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपने कल्चर से कनेक्ट होना चाहते हैं. रितु जी, महारानी रितु जी ने हमें इसमें बहुत इंस्पायर करा है. डॉक्टर ज्योत्सना सिंह जी ने भी इस चीज़ के लिए जो ये कवि फेस्टिवल सारा मान जी राय साहब. श्रोतागण नमस्कार. आपको जान के प्रसन्नता होगी कि पहली बार एक तवी उत्सव मनाया जा रहा है. तवी फेस्टिवल हर शहर में कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं. आप सुनते हैं जयपुर में होते हैं, वहाँ होते हैं. हमने सोचा जम्मू की लफ्ज़ रखने के बजाय तवी, क्योंकि सारे जम्मू के बीच में से चलती है और उसकी बड़ी प्रतिष्ठा है. जम्मू शहर भी उसी में आता है. तो जम्मू तवी फेस्टिवल के नाम पे हमारी बेटी डॉक्टर ज्योत्सना सिंह ने ये कार्यक्रम किया है. 3 दिन का कार्यक्रम है. इसमें संगीत, डोगरी संगीत, राष्ट्रीय संगीत, मेला, यहाँ के वस्त्र, यहाँ का भोजन, यहाँ की भाषा और यहाँ की कल्चर, और इस स्थान पे कर रहे हैं अमर महल, जो एक बड़ी अद्भुत जगह मुझे कहना चाहिए. जहाँ आप अभी बैठे हैं, जिसमें ये 47 पेंटिंग्स हैं नल दमयंती की, पहाड़ी पेंटिंग्स, कहीं दुनिया में नहीं है. एक म्यूज़ियम में 11 हैं, कहीं क्लीवलैंड में है, कहीं नहीं हो. तो ये एक यूनिक नायाब कलेक्शन है. और यहाँ हमारे पूर्वजों की तस्वीरें भी लगी हुई हैं. ऊपर हमारी 20,000 किताबें हैं. तो अमर महल हमारा बहुत बड़ा ज़खीरा है, एक इंटेलेक्चुअल कल्चरल ज़खीरा. और ये मैं आप सबका स्वागत करता हूँ. आप देखते रहिए, जो जो फंक्शन आएंगे आप स्वयं देखेंगे, उसके बारे में ज़्यादा कहना नहीं है मुझे. आप अगर आके इस पर थोड़ा सा कवर करते रहेंगे तो लोगों को पता चलता रहेगा कि क्या हम कर रहे हैं और किस प्रकार से हम अपने जो डोगरा कल्चर है और डोगरा भाषा, डोगरी भाषा है, डोगरे वस्त्र हैं, डोगरा खाना है, इस चीज़ को हम आगे प्रस्तुत कर रहे हैं. तो आप सबको शुभकामनाएं. नमस्कार. मैं ज्योत्सना सिंह हूँ. मैं अमर महल म्यूज़ियम और लाइब्रेरी की डायरेक्टर हूँ. और हमने एक कॉम्पोजिट प्रोग्राम यहाँ पे रखा है 3 दिन का, जिसमें हेरिटेज कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे बाहर से लोग आके, और जो रीजनल टैलेंट है आर्ट में, कंटेम्प्रेरी आर्ट में भी और पुराने बसोली स्टाइल आर्ट में भी लोग जो हैं, जो काम करते हैं, वो यहाँ पे अपना काम दिखाएंगे. उसके अलावा हमारे जो राइटर्स हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, 27th को वो लोग भी अपने बारे में बात करेंगे, कैसे क्या चैलेंजेस हैं रीजनल राइटिंग में, रीजनल लैंग्वेजेस राइटिंग में, ट्रांसलेशन में क्या चैलेंजेस हैं, ये सब लिखेंगे, ये बताएंगे हमें. और उसके अलावा हमारी परफॉर्मेंसेस हैं, म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस हैं. हमारे यहाँ इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है, लेकिन शायद हम ही को उस चीज़ को उभार के लाना है बाहर.
और अमर महल जो है वो अपने आप में है एक क्या कहें, जादू का पिटारा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद लोकल लोगों को भी नहीं मालूम है। तो आप लोग आइए और इस प्रोग्राम का लुत्फ लीजिए। इस प्रोग्राम को करवाने का मकसद जो है, हाँ जी, हम चाहते थे कि जो इतना सारा यहाँ पे हर एक फील्ड में अवेलेबल है कल्चर के उसमें दायरे में, हम थोड़ा थोड़ा करके इसको हर साल चलाना चाहते हैं इस फेस्टिवल को, और अलग अलग टैलेंट को यहाँ के भी लोग और बाहर से भी लोग को इनवाइट करना चाहते हैं कि देखिए यहाँ हमारे जम्मू में क्या क्या है देखने को। थैंक यू। आज बहुत ही अच्छा दिन है, अमर महल में अभी फर्स्ट फेस्टिवल शुरू हो रहा है जी। आज इसकी इनॉग्रेशन है, मेरे फादर इन लॉ महाराज डॉक्टर करण सिंह जी ने इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया है, और मेरी सिस्टर इन लॉ जो है राजकुमारी जी ज्योत्सना सिंह, उन्होंने ये क्यूरेट किया है। और आई थिंक जम्मू के लिए ये फर्स्ट टाइम एक इंक्लूसिव और एक बहुत ही अच्छा फेस्टिवल शुरू हो रहा है जी, जहाँ पे आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, फूड सब कुछ दिखाया जाएगा जी। यहाँ पे लेक्चर्स भी होंगे, वर्कशॉप्स भी होंगे, और आर्टिस्ट भी खूब सारे यहाँ पे, बलोरिया जी ने बसोली आर्ट के बहुत ही अच्छे पेश किए हैं, और आउटरीच है बहुत ही अच्छी अमर महल की तरफ से। हम भी डोगरी कॉस्ट्यूम्स के लिए हम चाह रहे हैं कि ये ट्रेडिशन और आर्ट और क्राफ्ट को हम अच्छी तौर से कंटिन्यू करें। आप देख रहे हैं मैंने डोगरी सूट भी पहना हुआ है, और हमारे कल्चर और आर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी। तो नई पीढ़ी के लिए ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज आ रही है जी कि आप अपने आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री से जुड़ें और इसको आगे ले जाइएगा। आज है कांगड़ा की वेशभूषा है, और ये सालों पुराना है, और इसके घेरे बहुत हैं, और असली सोने का है ये कांगड़ा की वेशभूषा है।